तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, यदि आप एक YouTube क्रिएटर हैं यानी कि YouTube चैनल चलाते हैं, या फिर आप एक YouTube यूजर्स हैं यानी कि आप YouTube पर वीडियो वगैरह देखते हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको एक ऐसे अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि फ्रेंड्स हाल ही में YouTube इस अपडेट को लेकर के आया है और इस अपडेट से YouTube क्रिएटर को भी और YouTube यूजर्स दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो YouTube नया अपडेट लेकर के आया है ना, ये YouTube वीडियो के आई बटन को लेकर के है। फ्रेंड्स देखिए, जो क्रिएटर आप जो YouTube पर वीडियो देखते हैं तो क्रिएटर अपनी वीडियो में आई बटन यानी आई कार्ड लगा देते हैं, तो फ्रेंड्स उसको लेकर के यहाँ पर YouTube ने नया अपडेट लेकर के आया। अपडेट बहुत ही बढ़िया है, यदि आप YouTube क्रिएटर हैं तब भी और यदि आप YouTube यूजर्स हैं तब भी, तो फ्रेंड्स आप सभी के फायदे का ये अपडेट होने वाला है। तो अपडेट क्या है उस सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करने तक देखना जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों क्या अपडेट है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन प्लीज दोस्तों उससे पहले, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो वीडियो देख पा रहे हैं ना, बस आपको छोटा सा काम करना है, आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नजर आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। साथ ही आपको बेल आइकन नजर आ जाएगा, घंटे का चिन्ह, आपको उस पर क्लिक कर देना है और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर देना है जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अपडेट ये है, मान लीजिएगा आप एक YouTube यूजर हैं यानी कि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैसा कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, आप किसी भी YouTube क्रिएटर का वीडियो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे आपने वीडियो प्ले किया, आप जो भी वीडियो आप देख पा रहे हैं ना, इस वीडियो में जो भी उस क्रिएटर ने आई कार्ड यानी आई बटन में वीडियो या फिर प्लेलिस्ट वगैरह लगा रखे होंगे ना, तो वो सिंपली आपको आई कार्ड में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको अबाउट वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इसी के लिए ठीक फ्रेंड्स, आपको जो भी इस वीडियो के अंदर आई कार्ड यानी आई बटन में प्लेलिस्ट या फिर वीडियो कुछ भी लगा हुआ है ना आई बटन में, वो सभी आपको नीचे की तरफ नजर आ जाएंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे ही चैनल पर मैंने इस वीडियो में तीन आई बटन लगाए थे, तो यहाँ पर यूट्यूब ने इन्हें डिस्क्रिप्शन में इन तीनों ही प्लेलिस्ट को यहाँ पर दिखा दिया है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों, आप जैसे ही किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को देख रहे हैं और उसने अपनी वीडियो में आई बटन लगा रखे हैं, तो उसने आई बटन में कोई भी वीडियो लगा रखे हो या फिर प्लेलिस्ट वगैरह लगा रखी हो, तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस तरीके से नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर YouTube ने यही फीचर नया लॉन्च किया है, अब जो भी वीडियो के आई बटन में चीजें लगी होंगी, चाहे वो वीडियो हो या फिर प्लेलिस्ट हो, उन्हें अब YouTube उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाएगा। जिस वीडियो के आई कार्ड में वो लगी हुई है, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करते ही वो सभी वीडियो या फिर उनके थंबनेल वगैरह सभी आपको यहाँ पर नीचे नजर आ जाएंगे। अब यहाँ से भी आप यूट्यूब यूजर्स उन्हें प्ले करके देख सकता है। दोस्तों इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है यूट्यूब यूजर्स को भी और यूट्यूब क्रिएटर्स को भी। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।